वंस अगेन वेलकम बैक माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 7th एंड टूडे वी विल डिस्कस MCQ फिल अप्स ट्रू और फॉल्स मैचिंग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बिग क्वेश्चन आंसर्स गिव रीजन एंड शॉर्ट नोट ऑफ चैप्टर नंबर 3 मुगल एम्पायर शुरू करते हैं. वेल चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन. सो आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन डैश एंड डैश. सो किसके बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी. वेल ये लड़ी गई थी हेमू एंड अकबर के बीच में. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. हु कंस्ट्रक्टेड बुलंद दरवाजा. वेल आंसर इज अकबर. ओके नंबर 3 पे आ जाते हैं. द रेड पॉट ऑफ दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई शाहजहां. ओके नंबर 4 अकबर वॉज बॉर्न एट अमरकोट. ओके नंबर 5 On which Indian currency do you find red pot? So it's a currency of 500 rupee note. Okay. So यहाँ पर आपको मिल जाएगा. आगे बढ़ते हैं. I love this background. It's a very normal one. Okay. Who was the last king of Delhi Sultanate? Okay. So आपको उसके पीछे नहीं दिख रहा होगा लेकिन दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोधी was the last king. In the battle with whom did Humayun defeated and had to leave India? So it's against Sher Shah. ओके वेन वॉज छत्रपति शिवाजी बॉर्न. सो ही वॉज बॉर्न ऑन 1627. हु वॉज द फाउंडर ऑफ द न्यू रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अकबर. सो तोदरमल इज अ पर्सन एंड द ओरिजिनल नेम ऑफ शेरशाह वॉज फरीद खान. ओके शाहिद खान राशिद खान आमिर खान. बाकी ऑप्शन भी मस्त हैं लेकिन फरीद खान इज द करेक्ट आंसर. ओके आगे बढ़ते हैं. फिलिप्स. ओके so fill in the blanks and let us start. After Babur, Humayun came to the throne of Delhi. So Babur के बाद कौन आता है. Humayun. The meaning of Humayun मतलब lucky. Akbar defeated Hemu in the second battle of Panipat. I think it's a repetition only. The name of Jahangir wife is Noor Jahan. Okay. Shahjahan nickname was Khurram. Okay. शाहजहाँ राणा संग्राम सिंह ऑफ मेवाड़ ऑल्सो नेम इज राणा सांगा. सो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए. महाराणा प्रताप वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी विद अकबर. सो हल्दी घाटी में उनको हार जाते हैं. शिवाजी वॉज बॉर्न एट द पोर्ट ऑफ शिवनेरी. ओके नंबर 9 इन 1674 AD शिवाजी वॉज कोरोनेटेड एट रायगढ़ एंड शाहजहाँ बिल्ड द फेमस रेड पोर्ट इन दिल्ली. दिस इज इट. आगे बढ़ते हैं मैचिंग की तरफ ट्रू और फॉल्स की तरफ. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. नंबर 1 बाबर वॉज अ नेचर लवर एंड अ राइटर. इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. ओके वेट एंड अकबर बिकम द किंग ऑफ दिल्ली एट द एज ऑफ 14. सो ये भी सही स्टेटमेंट है. इंडिया वॉज इकोनॉमिकली प्रॉस्पर्स ड्यूरिंग द अकबर रूल. ये भी सही है. शाहजहाँ हिमसेल्फ वॉज अ ग्रेट पेंटर. नहीं ये गलत है. शिवाजी वॉज बॉर्न इन द शिवनेरी पोर्ट इन 1637. नहीं ये 27 होना चाहिए था. सो इट्स अ फॉल्स. मुगल पेंटिंग वॉज वर्ल्ड फेमस. हाँ वो तो ट्रू है. अब मैचिंग मैंने खास बना रखे हैं ताकि इसमें आपको सिर्फ ईयर की क्लैरिटी रहे. ओके सो 1526 में क्या हुआ था. मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश इन इंडिया. बाबर ने मार मार के तो सल्तनत उजाड़ दी थी. 1530 में क्या हुआ. हुमायूं केम टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली. सो बाबर का बेटा हुमायूं. ओके 1540 शेरशाह सूरी इस्टेब्लिश इज रूल इन इंडिया. ओके फिर 1542 में अकबर का जन्म होता है. 1545 सॉरी फॉर डैट शेरशाह डाइड इंस्पेक्टिंग सम कैनन बॉल्स ब्लास्ट हो जाता है. 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा जाता है. ओके अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं. वैन एंड बिटवीन हुम वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट. द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन द बाबर एंड इब्राहिम लोधी ऑन 20th April 1526. ओके वेरी वेरी सिंपल. नंबर 2 डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द रूल ऑफ शेरशाह. सो शेरशाह वॉज बिल्ड द टॉम ऑफ ससराम एंड अ मॉस्क इन दिल्ली. अगर थोड़ा 50 years तक जिए होते तो ये बहुत कुछ करवा देते लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था. नेम अ ग्रेट म्यूजिशियन सिंगर एट अ टाइम ऑफ द अकबर. तो तानसेन वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन एंड सिंगर ऑफ द टाइम ऑफ अकबर. नेम द पेंटर ऑफ जहांगीर. सो देर वॉज अ वर्ल्ड फेमस पेंटर नॉट मंसूर
in the Jahangir court and the name of the other painter is Jahangir was Abul Hasan. So ये उनके कुछ painters थे. Where and when was Chhatrapati Shivaji born? Chhatrapati Shivaji was born at Shivneri Port of in Maharashtra in 1627 AD. So ये लगभग वो false का true story version है. With whom did Shivaji fought and achieved victory? Shivaji fought with the Mughal Emperor Aurangzeb or Aurangzeb की spelling में गड़बड़ है थोड़ी. Okay, and Sultan Adil Shah of Bijapur for the long time and achieved victory. ओके औरंगजेब की स्पेलिंग में थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है सो सह लेना थोड़ा. गिव द आउटलाइन ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन. सो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताना है. वेल मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको आंसर रीड ना करके डायरेक्टली आपको मीनिंग समझाता हूँ. देखो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सिस्टमेटिकली काम करने लग गया था अकबर के टाइम से. उसमें जो एम्परर होता है वो सबसे सेंटर में होता है रूल के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड भी करता है. पॉइंट नंबर थ्री ये बता रहा है कि वो अपने सबसे बड़ा सुप्रीम कमांडर होता है एंड जज भी होता है नो डाउट. एंड उसने एक वजीर को अपॉइंट किया होता है जो एक तरह से एम्परर और एडमिनिस्ट्रेशन में राजा को कोऑर्डिनेट करता है. अब दीवाने वजीरे कुल, ठीक है, उन्हें दीवाने वजीरे कुल भी कहा जाता है. इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर, वो फाइनेंस का एंड रेवेन्यू का भी काम देखते हैं. आर्मी के हेड को मीरबख्श कहा जाता है. उनका काम होता है आर्मी के ऑफिसर्स को रिक्रूट करना, उनको जॉब देना. इसके अलावा अपनी सुपर इंटेलिजेंस सिस्टम को भी अच्छे से सुपरवाइज करते हैं. स्पाइस जो जासूस होते हैं उनको भी मुगल टाइम पे वकिया नेविस कहा जाता है. इसके अलावा इन्होंने एक मीरे सनम नाम का एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कर रखा है जिसका काम होता है राजा की ज़रूरतें फुलफ़िल करना. इसके अलावा उन्होंने वो अपनी सारी गवर्नमेंट फैक्ट्री के हेड होते हैं और एज ए जुडिशरी वो काजी भी अपॉइंट करते हैं. ठीक है, नंबर टू पे बढ़ते हैं. ये कुछ ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, हाँ, राइट ए नोट ऑन द मुगल आर्किटेक्चर. मुगल आर्किटेक्चर के बारे में आपको बताना है. पहली बात तो मुगल लोगों का जो आर्किटेक्चर था वो कीमती, बहुत मतलब बेस कीमती था. उसका कोई कंपेरिजन नहीं है. हिंदू मुस्लिम उस टाइम पर मिल बांट के रहते थे, साथ में रहते थे एंड उन लोगों ने बहुत कुछ बनवाया. बाबर की बात करें तो उसने काबुली मॉस्क बनवाई पानीपत में, जामा मस्जिद बनवाई सांभल में और एक मॉस्क आगरा में भी बनवाई. अकबर ने आगरा का किला बनवाया, फतेहपुर सिकरी मतलब नया कैपिटल इस्टेब्लिश किया, वो भी अपने गुरु शेख सलीम चिश्ती के नाम पे जो आगरा से कुछ 36 किलोमीटर दूर पड़ता है. इसके अलावा अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया ताकि उसका रीज़न ये था कि उसने गुजरात में विक्ट्री हासिल की थी, उसकी याद में उसने ये बुलंद दरवाज़ा बनाया था जो इंडिया का लार्जेस्ट गेट आज तक माना जाता है. इसके अलावा उन्होंने अपने गुरु सलीम चिश्ती की दरगाह बनवाई, मस्जिदें बनवाई, पंचमहल बनवाया. ठीक है, अब बात करते हैं जहांगीर के टाइम की. तो उन्होंने संगमरमर वाइट मार्बल का ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया. इसमें अगर बात करें शाहजहाँ की तो उसको बिल्डिंग बनवाने का बहुत शौक था, है ना, और इसीलिए उसके टाइम को गोल्डन एज भी कहा जाता है मुगल एम्परर का. शाहजहाँ ने बनवाया सबसे फेमस वर्ल्ड फेमस ताजमहल. इसके अलावा उसने अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में बनवाया था नो डाउट. एंड इसके अलावा उन्होंने मोती मस्जिद आगरा में बनवाई. उन्होंने जो फेमस बिल्डिंग है रेड फोर्ट लाल किला दिल्ली में वो भी उन्होंने बनवाया था. औरंगजेब की बात करें तो उन्होंने रबीउद दुल्हा जो बीबी का मकबरा है ताजमहल के कंपेरिजन में बनाया था, बट ताजमहल तो ताजमहल होता है. ओके, सो द पर्सन हु यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज छत्रपति शिवाजी. और शॉर्ट आपको पूछा गया है राइट ए नोट ऑन द विक्टोरियस ऑफ द शिवाजी. तो शिवाजी की जो जिंदगी में जो उन्होंने जीते हासिल किए हैं उसके बारे में आपको ये नोट लिखना है. तो छत्रपति शिवाजी ने कुछ 40 से ज़्यादा किले फतेह कर दिए थे और एक छोटा सा मराठा एम्पायर इस्टेब्लिश किया. उनकी सीधी लड़ाई थी मुगल एम्परर औरंगजेब और बीजापुर के आदिल शाह से. इन्होंने वहाँ पे सक्सेस भी अचीव किया. बात करते हैं 1646 की, तो उन्होंने तोरना नाम का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट किला कॉन्कर किया. इसके अलावा कल्याण मोहली 1670 के आसपास उन्होंने सिंगर भी कैप्चर कर लिया, वेलूर और झिंझी भी. लास्ट में 1677 में उन्होंने कोयल और जो गेट ऑफ द साउथ है उसको भी उन्होंने कैप्चर किया. दिस पर्सन इज अ गॉड इन द महाराष्ट्र. ओके, महाराष्ट्र में आप शिवाजी के नाम के आपको हॉस्पिटल मिल जाएंगे, एयरपोर्ट मिल जाएंगे. ओके,
ट्रेन के स्टेशन मिल जाएंगे एंड ऑल दैट। अकबर की रिलीजियस पॉलिसी क्या है? तो पहला पॉइंट में ये बताया कि अकबर एक सेकुलर किंग था। सेकुलर का मतलब होता है कि जो किंग जो सभी धर्मों को इक्वल मानता है, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता है। तो उसकी जो रिलीजियस जनरसिटी थी, उसने मतलब जनरसिटी यानी हर रिलीजन के प्रति एक अच्छा भाव रखना, और स्पेशली जो श्रद्धालु थे जो पिलग्रिम करने आते थे उनका टैक्सेस रिमूव कर देना, स्पेशली हिंदुओं का, तो इससे वो काफ़ी इंडिया में पॉपुलर हो गए। इसके अलावा उन्होंने हिंदुओं को अपने कोर्ट में, इवन अपनी अलग अलग सर्विसेज में, आर्मी में इम्पोर्टेंट प्लेस थी। उन्होंने सभी लोगों को अपने अपने मनपसंद धर्म फॉलो करने की पूरी छूट दी थी। ओके, उन्होंने एक इबादत खाना बनाया था फतेहपुर सिकरी में, जहाँ पे सारे रिलीजन आके आपस में कुछ डिस्कशन करते हैं। अकबर बहुत ही विद्वान लोगों को, स्कॉलर्स को अपने यहाँ पे बुलाते थे स्पेशली प्रेयर्स में, और हर फ्राइडे स्पेशली जब उनकी नमाज वमाज होती है, ही लिस्टेन इंटेंटली इन द टू द सरमन। ओके, सो वहाँ पे वो बहुत सारा डोनेशन भी करते थे। अल्टीमेटली उन्होंने सारे धर्मों को मिला के एक नया धर्म बनाने का ट्राई किया, डेट इज कॉल्ड दिल्ली इलाही, बट ऐसा चो तक चला नहीं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अकबर एक रिलीजियस, उनकी रिलीजियस पॉलिसी बहुत अच्छी थी, बहुत ही हम्बल और जनरस इंसान थे। ओके, टॉकिंग अबाउट फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्कस अबाउट द रिफॉर्म्स डन बाय द शेरशाह। तो शेरशाह ने अपनी लाइफ में क्या क्या रिफॉर्म्स किए वो आपको बताना है। तो शेरशाह का कुछ जो टाइम था, रूलिंग टाइम, वो सिर्फ 5 ईयर्स का था, स्पेशली 1540 to 1545। अब इन 5 सालों में उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस किए? तो देखो, शेरशाह ने तो मतलब एक तरह से शांति बनाए रखी थी, क्योंकि उन्होंने सारे चोरू चक्कों को और लुटेरों को कंट्रोल में करके रखा था। ओके, उन्होंने एक नया पोस्टल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जो ऑफकोर्स जो पोस्टमैन होते थे आजकल तो साइकिलों में घूमते हैं, आजकल तो एक्टिवा में भी घूमते हैं नो डाउट, लेकिन वो घोड़े पे घूमते थे। उन्होंने ट्रेडर्स का और पिलग्रिम ट्रेडर्स और पिलग्रिम के लिए बहुत सारे घर बनवाए। उन्होंने रुपये नाम की करेंसी शुरू की, जो आज भी हम लोग बोलते हैं ना रुपये चाहिए, रुपये सो रुपया उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई थी अपने स्टेट के लिए। उन्होंने बंगाल से लेकर नॉर्थ इंडिया तक एक बहुत मैसिव रोड बनाई थी, लंबी रोड बनाई थी, जिसको जीटी रोड, ग्रैंड ट्रक रोड भी कहा जाता है। उन्होंने एक टेबल बनाया लैंड रेवेन्यू का, मतलब जहाँ पर किसान ज़्यादा फसल उगाते हैं तो उनसे ज़्यादा टैक्स लो, जो बहुत कम फसल उगती है वहाँ पे बहुत ही कम फसल लो, और इसमें उनकी हेल्प की तोदरमल ने। तो शेरशाह को हम लोग एक रिफॉर्मर के नाम पर याद रखते हैं हिस्ट्री की बात करें तो। ओके, यहाँ पर आते हैं गिवरीजन। अब यहाँ पर बोला गया है कि अकबर वॉज अ सोशल रिफॉर्मर। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि अकबर ने चाइल्ड मैरिजेस और सती सिस्टम को अपोज किया था। उन्होंने पिलग्रिम टैक्स हटा दिए, उन्होंने जो ज़बरदस्ती धर्म बदलते हैं वो बंद करवा दिया, इसलिए हम लोग अकबर को एक सोशल रिफॉर्मर कह सकते हैं। अकबर एक सेकुलर किंग हैं। हाँ, अकबर सारे धर्मों के बेस्ट एलिमेंट मिला के एक नया धर्म उन्होंने बनाया था, दिल्ली इलाही। उन्होंने बहुत सारी जो रिलीजियस बुक थी, जैसे कि रामायण, महाभारत, अथर्ववेद, पंचतंत्र, बाइबल, कुरान, इन सबको उन्होंने पर्सन लैंग्वेज में चेंज किया, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कोई एक रिलीजियस सेकुलर कंट्री हैं, सेकुलर किंग हैं, सॉरी सेकुलर कंट्री तो अलग कॉन्सेप्ट है। नाउ, अ फियर सिविल वॉर ब्रेक आउट अमंग्स द सन ऑफ द शाहजहाँ। शाहजहाँ के बेटों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़े हो गए, वही राजा बनना है सबको, बराबर। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द शाहजहाँ इलनेस, देयर वॉज अ फियर सिविल वॉर अमंग्स द सन ऑफ द शाहजहाँ डोमिनेटेड ओवर द मुगल एम्पायर। कौन मुगल एम्पायर का नया राजा बनेगा, इसको लेके काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई थी। एनी हाउ, अब हम बात करेंगे राजस्थान के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन महाराणा प्रताप की, जो मेवाड़ से बिलोंग करते हैं और जो जिन लोगों ने मुगल के सामने, स्पेशली अकबर के सामने लड़ाई लड़ी। ओके, वेट, जिन्होंने अकबर के सामने लड़ाई लड़ी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अकबर ने जब मेवाड़ पे अटैक किया ना, हल्दी घाटी में लड़ाई हुई थी अकबर एंड महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर नो डाउट वो लड़ाई जीत जाते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप फिर से तब उदयपुर के साइड जाते हैं और वापस से अपना स्ट्रगल शुरू करते हैं। बहुत बार उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन महाराणा प्रताप कभी चित्तौड़ छोड़ के गए नहीं। लड़ाई में वो गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छोटे छोटे हमले करना, उसमें वो बहुत ही एक्टिव थे। एंड उन्होंने जैसे ही वो हल्दी घाटी की लड़ाई हार जाते हैं, महाराणा प्रताप ने अपना कैपिटल चेंज किया, है ना, गोंडा नाम की जगह पर, और बाद में छावड़ उन्होंने डूंगरपुर को अपना कैपिटल बनाया,
उनकी डेथ हो गई थी 51 की एज में. ओके एंड आज का सबसे लास्ट टॉपिक डेट इज कॉल्ड छत्रपति शिवाजी. सो आई थिंक ये हटा देना चाहिए. छत्रपति शिवाजी इंडिया के एक बहुत ही पावरफुल किंग में से माने जाते हैं मराठा एम्पायर की बात करें तो. एंड इसके अलावा इनका जन्म हुआ था शिवनेरी पोर्ट 1627 में महाराष्ट्र में. ये जीजाबाई और शाहजी के बेटे थे और अपने गुरु समर्थ रामदास और दादा भाई कौनदेव से बहुत प्रभावित थे. इन्होंने बचपन में 40 किले जीत के मराठा किंगडम का एक एस्टेब्लिशमेंट शुरू कर दिया था. औरंगजेब एंड आदिल पुर और बीजासा से इनकी ज़्यादा मतलब टसन थी, लड़ाई होती थी जिसमें ये विक्ट्री रहे. इसके अलावा उन्होंने मुगल एम्परर से एक ट्रीटी साइन की थी 1655 में. औरंगजेब ने उनको पकड़ के जेल में भी डाल दिया था लेकिन वो क्लेवरली वहाँ से एक्सकेप कर जाते हैं, छूट के बाहर निकल जाते हैं, फिर से अटैक करते हैं एक आर्मी बना के और आराम से हरा भी देते हैं. 1674 वो साल था जब रायगढ़ में इनको हिंदू एम्परर डिक्लेयर किया गया. मतलब उस टाइम पे पूरा मुस्लिम रूल ही था, सिर्फ एक यही इकलौते हिंदू राजा थे उस टाइम पे. इसके अलावा ग्रेट कॉन्करर थे, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन थे, उन्होंने कैबिनेट बनाया था अष्टा प्रधानमंडल और इनकी डेथ होती है 1680 में. सो स्टूडेंट दिस इज योर चैप्टर नंबर 3. यहाँ पे मैंने सब कुछ इन डेप्थ डिटेल डिस्कस कर लिया है. आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा. सो ऑलवेज स्टे ट्यून एंड बी हैप्पी एंड लर्न वेल.